मिल रही है कि लापता जवान नक्सलियों के कब्जे में है। सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि नक्सलियों ने जवान के कब्जे में होने का दावा किया है। नक्सलियों की तरफ से अधिकारियों को फोन किया गया है, तो खबर को लेकर पुलिस की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं है। नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। हमले के बाद से एक जवान अभी भी लापता है और अब सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है कि जवान नक्सलियों के कब्जे में है और नक्सलियों ने खुद फोन पर यह सूचना दी है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत लाइव बने हुए। प्रशांत, सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है कि जो एक जवान लापता था, अभी भी लापता था, वो नक्सलियों के कब्जे में है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस दिन से मुठभेड़ हुई है उस दिन से लगातार जो सूचनाएं आ रही थी कई जवानों की मिसिंग की सूचना, उसमें जो 23 जवानों के शव की रिकवरी करने की बात पुलिस कर रही थी, लेकिन उसमें से 12 ही जवान शहीद हुए हैं और एक जवान जिसको शहीद की सूची में रख दिया गया था, कश्मीर का और जवान है राकेश, उसको शहीद की सूची में रख दिया गया था, वो अभी भी जो है जिंदा है और नक्सलियों के कब्जे में। इस तरीके का दावा जो है नक्सलियों की तरफ से किया गया है और जो सूचना भी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस बात की नहीं हो पाई है, लेकिन नक्सलियों की तरफ से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, उनके पास ये संपर्क कॉल आ रहा है कि उनके गढ़ में नक्सलियों के पास में, नक्सलियों के कब्जे में वो घायल जवान हैं और अगर जो है वहां पर पहुंचे और अपने जवान को लेकर जाए, तो इस तरीके की बात आ रही है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जवान जिंदा है और घायल अवस्था में नक्सलियों के पास में, और ऐसी स्थिति में अगर जल्द से जल्द जो है अगर रेस्क्यू ऑपरेशन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं जवान की जो जान है वो खतरे में हो सकती है। और इस बारे में लेकर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से सवाल किया गया, तो कहीं ना कहीं वो जवाब को जो है ना दिया उन्होंने और कहीं जवाब को टालते हुए नजर आए। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कुछ ना कुछ तो बात है कि इस तरीके की, क्योंकि लगातार जो है उन इलाकों में सर्चिंग की जा रही है और अगर जवान का शव होता तो कहीं ना कहीं उन इलाकों में जो है उस शव को जो है पुलिस द्वारा ढूंढ लिया जाता, लेकिन उन इलाकों में लगातार सर्चिंग के बाद दो दिन से लगातार जो है सर्चिंग की जा रही है उसके बावजूद भी है जवान के शव को नहीं ढूंढ पाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उठता है सवाल कि क्या नक्सलियों की तरफ से जो फोन कॉल आया है, जो संपर्क सूत्र आया है, कि क्या वो सही है? जवान अगर जिंदा है तो क्यों ऑपरेशन की तैयारी नहीं की जा रही है और क्यों रेस्क्यू करके जवान को लाने के प्रयास नहीं किया जा रहा है? हालांकि ये नक्सलियों की तरफ से एक रणनीति भी हो सकती है और नक्सली हमेशा से इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं कि एक भ्रम फैलाते हैं और जवानों को सूचना पहुंचाते हैं कि नक्सलियों की मौजूदगी है और उस दौरान वहां पर जवान पहुंचते हैं और एक बड़ी घटना को नक्सली एम्बुश लगाकर बैठकर अंजाम देते हैं। तो ये एक गुमराह करने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन अगर जवान मिसिंग है तो सवाल तो खड़े होते हैं कि जवान कहाँ है, क्योंकि 23 जवानों के शहीदों की सूची तो पुलिस विभाग ने जारी कर दी, लेकिन उसमें से 22 जवानों के शव को श्रद्धांजलि देकर उनके गृह ग्राम भेज दिया गया है, लेकिन एक जवान के शव, अगर पुलिस की माने तो एक जवान के शव को अभी तक सर्चिंग की जा रही है और सर्च कर अभी तक ग्राउंड जो घटना स्थल है वहां से ढूंढा नहीं जा पाया है। तो ये एक सवाल बिल्कुल खड़ा होता है। जी सुभाष बिल्कुल, प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नक्सलियों द्वारा गुमराह करने की भी कोशिश इसे माना जा सकता है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवालों से ये दावा किया जा रहा है कि नक्सलियों ने जवान को अपने कब्जे में रखा हुआ है और खुद फोन करके अधिकारियों को ये सूचना